फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं जो लुक आपके लिए लेकर आई हूँ वो मैंने वन ब्रांड मेकअप लुक क्रिएट की है, एलए गर्ल की। इट इज़ अ पिंकी मेकअप लुक। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये लुक ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक करना मत भूलें, मेरी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें फ्रेंड्स। थैंक यू, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एलए गर्ल का ब्रो पोमेड ले रही हूँ। इसके साथ मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी और मेरा शेड है डार्क ब्राउन। फ्रेंड्स, अगर चाहते हो आपके मैं आईब्रोज के ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अब मैं स्पूली की हेल्प से फ्रेंड्स इसको मैं अच्छी तरह ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स एलए गर्ल का येलो करेक्टर ले रही हूँ। इसको मैं अपने आईलिड पे लगा लूँगी। उसके बाद मैं एक ब्रश की हेल्प से इसको अच्छी तरह स्प्रेड करूँगी और मैं अपने आईब्रोज को भी साथ में ही नीट कर लूँगी। इसी करेक्टर को मैं थोड़ा सा अपने अंडर आइज पर भी लगा लूँगी। ब्रश की हेल्प से स्प्रेड करने के बाद इसको मैं फिंगर की हेल्प से अच्छी तरह मैं इसको स्मज करूँगी, ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैं फ्रेंड्स ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प के साथ मैं इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँगी। अब मैं एलए गर्ल का HD लूज पाउडर लूँगी। इसके साथ मैं इस कंसीलर को सेट कर दूँगी ताकि कोई क्रीज लाइन ना बने। आज मैं फ्रेंड्स आपको इस ब्लशर पैलेट के साथ ही, इस पिंकी पैलेट के साथ ही मैं आपको अपने आईज का मेकअप करके दिखाऊंगी। तो पहले फ्रेंड्स मैं ये ब्रॉन्जर शेड ले रही हूँ, इसके साथ मैं अपनी ट्रांजिशन शेड बनाऊंगी। अब मैं सेम पैलेट में से ये लाइट पिंक शेड ले रही हूँ। इसको मैं ट्रांजिशन शेड के थोड़ा सा नीचे में इसको लगाऊंगी और इनर साइड पे मैं इसको अच्छी तरह ब्लेंड करूंगी फ्रेंड्स। तो जितनी मुझे इंटेंसिटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं कलर को पिक करते जाऊंगी और अप्लाई करते जाऊंगी, एज यू कैन सी फ्रेंड्स। उसके बाद मैं सेम पैलेट में से ये डार्क पिंक शेड ले रही हूँ। इसको मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँगी। फोकस मेरा आउटर वी पे ही है फ्रेंड्स, तो मैं थोड़ा सा ही इनर साइड पे मैं इसको ब्लेंड करूँगी। तो इसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी मैं इसको लगाऊँगी फ्रेंड्स, सेम शेड को। सो आई नीडेड मोर ब्लेंडिंग, तो मैं अभी भी और ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आई वॉज नॉट हैप्पी विद ब्लेंडिंग बिकॉज ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फ्रेंड मैं सेम पैलेट में से ये हाइलाइटर वाली शेड ले रही हूँ। इसको मैं अपनी जो हाफ लिड पे मैं इसको अप्लाई करूँगी फ्रेंड्स। आप पहले ब्रश को वेट करें, उसके बाद इस शेड को पिक करें, उसके बाद अच्छी तरह आप ब्लेंड होगा, अच्छी तरह लग जाएगा। अब मैं फिर से वो पिंक शेड ले रही हूँ। इसके साथ में जो हार्श लाइंस हैं उसको मैं नीट करूँगी। अब मैं यहाँ पर एलए गर्ल का जेल लाइनर ले रही हूँ। इसके साथ मैं एक विंग लाइनर क्रिएट करूँगी, छोटा सा मैं विंग ही बनाऊँगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैंने ये लुक वन ब्रांड मेकअप लुक क्रिएट की है, लेकिन इसकी दो तीन चीज़ें, शायद दो तीन प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल नहीं थे। मुझे नहीं मालूम इन्होंने लॉन्च किए हैं या नहीं किए मुझे, लेकिन यहाँ केनिया में नहीं मिले, तो आई थिंक दे आर नॉट अवेलेबल, सो सॉरी फॉर दैट। तो फ्रेंड्स यू कैन सी मैंने लगा लिया है दोनों आँखों पर आईलाइनर। अब मैं यहाँ पर अर्बन चॉइस के पैलेट में से ये शेड ले रही हूँ। इसको मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी। इसके बाद मैं फिर से एलए गर्ल के जेल लाइनर को अपनी वाटर लाइन पे लगा लूंगी। अब मैं यहाँ पर बेले का जो है ग्लिटर लाइनर, उसको मैं लेकर जो मैंने नीचे शेड अप्लाई की थी उसी के ऊपर मैं इसको लगाऊंगी फ्रेंड्स। अब मैं फिर से सेम पैलेट में से, पिंकी पैलेट में से हाईलाइटर शेड लेकर अपने ब्रो बोन को हाईलाइट करूंगी। अब मैं अपनी दोनों आईलैशेस को मैं कर्ल कर लूंगी। अब मैं यहाँ पर TNG गौमा मस्कारा लेकर अपने अपर लैशेस एंड लोअर लैशेस को फ्रेंड्स मैं अच्छी तरह कोट कर लूंगी। ये मैं अब एलए गर्ल का HD प्राइमर ले रही हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लेकर अपने टी जोन पे अप्लाई करूंगी और अपने पूरे फेस पे मैं इसको लगा लूंगी फ्रेंड्स। फेस को फ्रेंड्स पहले ही मॉइस्चराइज कर, ये है एलए गर्ल की प्रो HD फाउंडेशन। इसके मैं फ्रेंड्स मेरे फेस पे 2 पम्प्स ही लगते हैं पूरे, अगर मैं पूरे नेक पे, बैक पे, बैक साइड जो नेक है वहाँ पे लगाती हूँ तो 2 पम्प्स मुझे इनफ होते हैं। तो इसको मैं पहले अपने फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी।
उसके बाद फ्रेंड मैं कबूकी ब्रश की हेल्प से इसको मैं अच्छी तरह अपने फेस पे स्प्रेड करूंगी। फ्रेंड्स डोंट एवर फॉरगेट योर ईयर्स एंड आपके नेक की बैक साइड कभी भी मत भूलें। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, ये डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर है। अब फिर से मैं HD का वही येलो करेक्टर ले रही हूँ, इसको मैं अपने अंडर आईज, नोज, फोरहेड, जॉ के ऊपर, चिन पे अच्छी तरह मैं लगा लूँगी हाईलाइट के लिए। अब मैं डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इस कंसीलर को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं फिर से वही एल ए गर्ल का लूज पाउडर ले रही हूँ, इसके साथ मैं अपने कंसीलर को भी सेट करूँगी और पूरे फेस को भी मैं इसी के साथ ही सेट करूँगी। जब यह फेस भी सेट करें पाउडर के साथ, फ्रेंड्स अपने ईयर्स को ना भूलें, जहाँ जहाँ भी आपने फाउंडेशन लगाई है वहाँ पर पाउडर आप ज़रूर लगाएं, ज़रूर अपनी फाउंडेशन को सेट करें। फ्रेंड्स सेम पैलेट में से ब्राउन्जर शेड लेकर थोड़ा सा कंटूरिंग की शेप में मैं इसको लगाऊंगी और मैं अपने पूरे फेस को ही कंटूर करूंगी एज यूजुअल। फ्रेंड्स मैं सेम ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आप प्रिसाइज्ड ब्रश ही यूज़ करें। अब मैं सेम पैलेट में से लाइट पिंक शेड लेकर अपने चिक्स पे लगा लूँगी, ये ब्लश ऑन कर लूँगी। अब मैं ये हाइलाइटर वाली शेड ले रही हूँ, इसके साथ मैं अपने फेस के जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं वहाँ पर मैं इसको लगाऊंगी और इनको मैं हाईलाइट करूँगी ग्लो के लिए। अब मैं फिर से वही पाउडर ले रही हूँ थोड़ा सा अपने कॉन्टूर को शार्पनेस देने के लिए। तो इस पाउडर को अब मैं ब्रश की हेल्प से मैं डस्ट आउट कर दूँगी। यू कैन सी फ्रेंड्स का मैट लिप ग्लॉस लगा लूँगी और डॉक्टर अशील की सेटिंग स्प्रे के साथ फेस को मैं सेट कर लूँगी। फ्रेंड्स यू कैन सी हियर इज़ द फाइनल लुक। इस लिपस्टिक के बाद मैंने इसको फ्रेंड थोड़ा सा लाइट कर दिया था और उसके बाद उसी के ऊपर मैंने ईमान की लिपस्टिक लगा दी थी। सो यू कैन सी दिस शेड ऑल्सो हाउ इट टर्नड आउट। आई रियली लव दिस लुक फ्रेंड्स। आप क्या कहते हो, आपको ये लुक कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स आपको ये लुक कैसी लगी। और मेरी वीडियोस को प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू।